पाकिस्तान में नए इस्लामी साल का आगाज कब होगा? यकम मुहर्रम और 10 मुहर्रम यानी यौम आशूर किस दिन होगा? रुयत हिलाल कमेटी के इजलास में क्या हुआ? चांद नजर आने में मुश्किलात क्यों हैं? महकमा मौसमियात ने क्या कहा? हक पाकिस्तान के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपको बताते चले कि मुहर्रम 1445 हिजरी का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की सदारत में जारी है। जोनल रुयत हिलाल कमेटियों के इजलास भी मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में अपने अपने मकामात पर जारी हैं, जिसमें मुहर्रम के चांद की रुयत का जायजा लिया जा रहा है। अगरचे महकमा मौसमियात ने यह पेशगोई की थी कि आज मंगल की शाम को चांद नजर आने के इम्कानात मौजूद हैं, ताहम रुयत हिलाल कमेटी के जराए के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त मुतला जुजवी अबर आलूद है, जिसके बाइस चांद नजर आने में मुश्किलात का सामना है। रुयत हिलाल कमेटी के अरकान के मुताबिक अब तक पूरे मुल्क में किसी भी मकाम से चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई, लिहाजा कल बुध को यकम मुहर्रम होने के चांसेस बहुत कम हैं। दूसरी जानिब माहिरीन फलकियात के मुताबिक चांद की कम उम्री, कम रोशन हिस्से और चांद की जमीन से इंतहाई दूरी की वजह से आज शाम पाकिस्तान समेत अक्सर दुनिया में चांद नजर आना बहुत मुश्किल है। अलबत्ता कल बुध 19 जुलाई को पाकिस्तान समेत तकरीबन पूरी आबाद दुनिया में चांद बआसानी नजर आएगा। यूं पाकिस्तान समेत अक्सर एशियाई ममालिक में यकम मुहर्रम 1445 हिजरी जुमेरात 20 जुलाई को होगी, जबकि 10 मुहर्रम यानी योम आशूर 29 जुलाई बरोज हफ्ता होगा। मजीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए हक पाकिस्तान।